क्या नाम है आपका? निमिषा। निमिषा क्या करती है निमिषा आप? मेरा अभी बीएड कंप्लीट हुआ है टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग यहाँ इलेक्शन कवर करते हुए घूम रहे हैं तो बताया गया ये टीचर नाराज है, वो टीचर नाराज है, यहाँ टीचर को लेकर गड़बड़ी है क्या? और लोगों से बोलो तो बोलते हैं टीचर पढ़ाते नहीं है। ये बात सही है, जो पुराने टीचर लोग हैं जैसे गवर्नमेंट सब कोई मिक्सअप है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब टीचर ही उस लायक है। कुछ लोग हैं वैसा, क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग में गए थे स्कूल वगैरह में तो देखते थे टीचर लोग को जिस लायक नहीं है वो, बट उनको सैलरी हैवी है और वो बच्चे को पढ़ाते नहीं, बस टाइम पास करके स्कूल से चले जाते हैं। और जो बच्चे लोग जैसे कि अभी न्यू जनरेशन में हम लोग अभी तुरंत बीएड किए हैं, सीटेट क्वालिफाइड है और हम लोगों को जॉब के लिए वेट करना है 2 साल 4 साल, कोई ठिकाना नहीं है हम लोग का वैकेंसी कब आएगा, और तब तक सीटेट का हम लोग का 7 साल का वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। ये जैसे निमिषा आपका वोट होगा जब वोट डालने जाएंगे तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होगा ये मुद्दा, या और चीज़ें भी देखेंगे, बिजली सड़क या और जो प्रॉमिसेस हैं अलग अलग लीडर्स की? अभी तो सर स्टूडेंट लाइफ में है तो पहला तो मेरे लिए जॉब ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉब मिलेगा तो ही कुछ हो सकता है, और अदर तो समाज सोसाइटी शायद हमको लगता है बिहार अभी सुधरने की स्थिति में नहीं है, यहाँ कुछ भी करे करप्शन वही हाल ही है। क्या वजह है इसकी? वैसा हम क्या कह सकते हैं, यहाँ वजह तो हर कोई है, ऐसा नहीं हम कहेंगे, हम भी उस वजह में, मेरे पेरेंट्स भी हैं, यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है इस चीज़ की, लड़कियों के लिए ऐसे भी अंधेरा हो गया और हमको जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, इस चीज़ का सेफ्टी कहीं भी नहीं है और इसका समाज सोसाइटी ही हम लोग कर सकते हैं, ये लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सरकार का क्या है, सरकार तो अभी इलेक्शन है काफ़ी जागरूक है, फिर वो इलेक्शन जीत जाएंगे बस उसके बाद उनका लाइफ सेटल है, वो फिर 5 साल के लिए बैठ जाएंगे, फिर इलेक्शन आएगा फिर वो अपना काम करेंगे, तो उनका हम सरकार को क्या कहें, बस जनता उस चीज़ के लिए एक्टिव हो। अच्छा एक आखिरी सवाल और फिर आप शॉपिंग करिएगा। एवरीबडी हर कोई बात करता है यंग वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, 18 से 30 की एज ब्रैकेट वाला वोटर, और सब उनके लिए प्रॉमिसेस करते हैं, कुछ यंग पॉलिटिशियन कुछ कह रहे हैं कि भाई हमने काम करके दिखाया। निमिषा को किस पॉलिटिशियन में क्रेडिबिलिटी दिखती है कि भाई ये कुछ सही बात कह रहे हैं? हम पर्सनली तो किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन देखिए सब अपने अपने जगह पर कुछ कुछ किए हैं, कोई कुछ अलग सेक्टर में कुछ, कोई है जैसे कि नीतीश कुमार ने क्या किया 15 साल से सीएम है लगभग, हमको सबसे अच्छा उनका एक ही चीज लगा वो था शराबबंदी का, जो बहुत ही अच्छा की है, लेकिन हाँ वो शुरू में कुछ दिखा और धीरे धीरे हमको वही लड़ा, फिर वही स्थिति आ गई है, बस अंतर ये हो गई है जो पुराने लोग हैं वो लोग जो मतलब गरीब है वो लोग थोड़ा नहीं पी पा रहे, लेकिन जो पैसे वाले वो लोग तो वही हाल में है, वो लोग बस पी रहे हैं वही सब कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ का फायदा बस पुराने जो गरीब लोग जो है ना उन लोगों को फायदा हुआ है, उनके फैमिली को फायदा हुआ है। शराबबंदी पहले इशू था अब नहीं है? है ऐसा नहीं कहेंगे, है वो गरीब लोगों के लिए बंदी हुआ है, जो पैसे वाले उनके लिए नॉर्मल है। और तेजस्वी यादव उनकी जो पोल प्रॉमिसेस हैं, जैसे आपने कहा रोजगार तो वो बोल रहे हैं कि हम पहली, हाँ वो बोल रहे हैं लेकिन उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा नेता वैसा हो जो खुद का पढ़ा लिखा हो, खुद पढ़ा लिखा होगा तो भी हम तो ही उसको हम वोट देंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमको नेता भी पढ़ा लिखा चाहिए, वो खुद उस लायक नहीं है तो हम उसको वोट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। 2-3 और लीडर हैं इसी तरह के जैसे चिराग पासवान हैं या पुष्पम प्रिया या पप्पू यादव या बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना है, उसका हम पर्सनली नहीं कह सकते हैं किसी के बारे में, नहीं आपको नहीं, लेकिन आपके लिए बड़ा जरूरी है कि नेता हाँ, खुद पढ़ा लिखा होगा तभी वो इस चीज को जानेंगे। निमिषा आप इतनी जागरूक हैं, आप शिक्षक बनेंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, ये बिहार की स्टोरी कैसे सुधरेगी कि निमिषा जैसी लड़कियां और बेखौफ होके घूमें, जो जिंदगी में करना चाहें करें, उनको इस चीज़ का डर ना हो कि हम लड़की हैं इसलिए ये नहीं कर पाते, कैसे के लिए हम तो सरकार तो पहले है ही, लेकिन हम पहला हम देंगे सोसाइटी को, पेरेंट्स को अपने, क्योंकि माँ बाप को हम पे ट्रस्ट करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि माँ बाप बेटियों को जो सिखाते हैं आप ऐसे चलो ऐसे कपड़े पहनो और समाज में ऐसे चलो, वो पहले अपने बेटे को सिखाएं, आप अपने बेटे को पहले सिखाइएगा तो एक बेटे सीखेंगे तो उससे सारी लड़कियां सेफ होगी, लड़कियां ऐसा नहीं है कि हाँ सारी लड़कियां अच्छी है, कुछ है करप्ट भी है लड़की लोग, लेकिन इसको हम मैसेज को नहीं, लेकिन लड़के लोग अगर सेफ लड़कियों की इज्जत करेंगे तो सारी लड़कियां उस सेफ रहेंगी, पहले आप अपने बेटे को सिखाइए कि हाँ आप हर लड़की को अच्छे नज़र से देखिए, उसको कमेंट मत पास कीजिए, उसको टच मत कीजिए, उसको कुछ अलग तरीका हरकत मत कीजिए, बस सेफ है लड़कियां सेफ है, और उसके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में लड़कियां ज़्यादा कैसे आ सकती हैं? पॉलिटिक्स में लड़कियां कैसे आ सकती है, बिल्कुल, लेकिन हमारे समाज सोसाइटी में क्या है, जिन्हें आप पढ़ाई कीजिए नॉर्मली ग्रेजुएशन वगैरह कीजिए, एक ढंग का डिग्री लीजिए और जॉब कीजिए, नहीं तो शादी वादी की निकल जाए, पेरेंट्स का ये होता है यहाँ पर, शादी बड़ा एक इंडिकेटर है, शादी करना बड़ा जरूरी है, मतलब जरूरी है हमारे समाज में, पढ़ाई करो और शादी करो, बस ये इम्पोर्टेंट दिया जाता है, इस चीज़ का जोर नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ी हो, नहीं क्योंकि यहाँ पे डाउरी सिस्टम वाली प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे समाज में डाउरी सिस्टम का हम बीएड किए हैं, पेरेंट्स के सपोर्ट था, मेरी मॉम का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था बीएड के लिए, लेकिन यहाँ डाउरी सिस्टम के कारण मुझे और जो मुझे पढ़ाई करना था आगे का हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ डाउरी बहुत ही इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पैसे के लिए आप पढ़ती हूं, वो पैसा वो पैसे दहेज में देना पड़ रहा है। ये चीज हमारे समाज में बहुत ज्यादा इशू है और बहुत सारी मेरी लड़कियां, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो हम बीएड कर लिए और उनके पेरेंट्स नहीं करा पाए, अफोर्ड नहीं किए, और वो उसको उसी पर शादी करके उनका फैमिली सेटल, या डाउरी का बहुत ज्यादा इशू है। पर जैसे एक बात बताओ निमिषा, कि घरों में महिलाएं होती हैं तो ये दहेज प्रथा कैसे, जैसे नीतीश के हम साथ निश्चय और जागरूकता देख रहे थे उसमें भी था कि दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, ये कुछ नहीं है समाज सरकार का कुछ नहीं है, हम लोग के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे घर के पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो अपना वो बहुत कुछ कह रही है लेकिन हम लोग पेरेंट्स मानेंगे तब तो, अभी तो सरकार कह रही है कोरोना है बहुत कुछ सेफ्टी लेकर चलिए, जनता मानेंगी तो, जनता नहीं मान रही है। यहाँ कोविड को लेकर भी बहुत कम जागरूकता दिख रही है, जनता मानेंगी, सरकार तो अपना कह ही रहे हैं, जनता मानेंगी तब तो। चलिए थैंक यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।